अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे पपैये का मीठा। हमारे पास देखिए एक पपैया है, हम ये पपैये की सारी स्किन निकाल देंगे और इसमें के बीन्स भी निकालेंगे और इसके छोटे छोटे पीस बना लेंगे। हमने देखिए सारा पपैया कट कर लिया, देखिए हमने इसके छोटे छोटे पीस किए। हमने एक कढ़ाई रख दी है और ये कढ़ाई अच्छे से गर्म हो चुकी है। अब हम ये सारा पपैया कढ़ाई में डाल देंगे। हम ये दो कटोरी शक्कर डालेंगे, डेढ़ सौ ग्राम शक्कर है ये, और ये हमारे पास पपैया एक किलो है और इसमें डेढ़ सौ ग्राम शक्कर काफ़ी हो जाती है क्योंकि पपैया भी मीठा होता है। तो हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे शक्कर और पपैये को। हमने पपैया और शक्कर को अच्छे से मिक्स कर दिए। अब हम इसे ढककर रख देंगे एक 10 मिनट के लिए। इसे 10 मिनट हो चुके हैं, हम इसे चेक कर लेंगे। देखिए पपैये का और शक्कर का सारा पानी छूट चुका है। अब हम ये पपैये का और शक्कर का सारे पानी को ड्राई होने तक के इसे भूनेंगे। ये देखिए हमने इसे अच्छे से मिक्स कर दिए और हमें ज़रूरत पड़ेंगे तो हम बीच बीच में चमचा चलाएंगे और इसे हम ढककर रख देंगे पानी ड्राई होने तक के। इसे हम चेक करेंगे। देखिए पपैये का और शक्कर का सारा पानी ड्राई हो चुका है और ये तले में लगने लगा है और इसमें ज़रा भी पानी नहीं रखना है। अगर इसमें पानी रहेगा तो इसका सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है मीठे का। हम इसे 5 मिनट तक के और भून लेंगे। इसे भूनते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें खवा डाल देंगे। ये एक किलो पपैया है हमारे पास तो हम इसमें 250 ग्राम खवा डालेंगे और ये खवे को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। खवा देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें घी डाल देंगे। देखिए हम घी डाल देंगे, ये देसी घी है। अरे घी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और हम घी डालने के बाद इसे 5 मिनट भून लेंगे। ये देखिए अच्छे से पक चुका है और ये जब आप इसकी भुनाई करेंगे तो इसकी इतनी भुनाई करना है कि इसमें ज़रा भी पानी नहीं रहना है। अगर इसमें पानी रह जाएगा तो आपके मीठे का सारा टेस्ट ख़राब हो जाता है। और इसमें हम काजू डाल देंगे। काजू डालकर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये अच्छे से बन चुका है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हम डिश आउट कर देंगे और इसे अब हम सर्व कर देंगे। पपैये का मीठा बनकर रेडी हो चुका है और रेसिपी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलती हूँ दुआओं में, याद रखना। अल्लाह हाफिज़। फिर मिलेंगे एक अच्छी रेसिपी के साथ और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए पपैये के मीठे की रेसिपी आपको कैसी लगी।